गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 13 दिसंबर 2022 और अभी मैं पहुंचा हूं वाराणसी जंक्शन पे। ये पीछे जो देख रहे हैं ये स्टेशन का पूरा नज़ारा है, देखिए वाराणसी जंक्शन। कल शाम में मैंने ट्रेन पकड़ा था रात में 9 बजे लखनऊ जंक्शन से और अभी पहुंचा हूं सुबह वाराणसी जंक्शन। पहली बार मेरा आना हुआ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके इसका नज़ारा। वाराणसी जंक्शन देखिए कितना शानदार लग रहा है। मुझे लग रहा है वो गोल जो बनाया गया बौद्ध धर्म का जो है धम्म चक्र जो है उसको बनाया गया वहाँ पे। देखिए इसमें तिल्ली लगी हुई है, वाराणसी लिखा हुआ उसके ऊपर देखिए वो, और उधर जो बौद्ध स्ट्रक्चर दिया गया है बौद्ध से रिलेटेड जो यहाँ पे, इसके पास में जो सारनाथ है वहाँ का कुछ स्ट्रक्चर इसमें आर्किटेक्चर इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म। बाहर ये देखिए लाइट लगी हुई है और ये अपना देश का शान तिरंगा प्यारा लहरा रहा है ऊपर। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, 6:19 हो रहा है और भीड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही अब जिस प्रकार का जंक्शन है उसी हिसाब से तो भीड़ तो कम ही है। देखिए अच्छा, आज दिन में एक्सप्लोर करेंगे बनारस को, कुछ जगह पे घूमेंगे जो फेमस है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए फेमस है बनारस, वहाँ जाएंगे। मेरे एक मित्र आ रहे हैं, हम दोनों मिलके घूमेंगे बनारस को, देखते हैं क्या क्या घूम पाते हैं, उसके बाद क्या क्या प्लान रहेगा और फिर अगला वीडियो इसके यहाँ का बनाऊँगा तो बताऊँगा। देखिए ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी बनारस, ये साधु बाबा लोगों का फोटो है। देखिए ये देखिए घाट पे भी जाएंगे, बनारस घाटों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है तो चांसेज है कि घाट पे भी जाए और घूमें। ये इधर अभी तो इतना ही है, यहाँ का जो सीन था वो मैंने दिखा दिया। पिंक रोशनी जो आ रही है वो सारे यहाँ पे जलती, लेकिन अभी बुझा दी गई क्योंकि सुबह हो गया है तो बुझा दी गई है। और फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं बनारस को। देखिए ये जो पैसेज है यहाँ पे, जो बड़ा सा ये जो दिया गया बनाया गया है, ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर है। यहाँ से अंदर जब घुसते हैं वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म नंबर एक यहीं से जाते हैं, वहाँ से जाते हैं। देखिए चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।